नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा LDC ग्रेड 2 के फेज 2 के बारे में। जी हाँ, फेज 2 में क्या रहेगा, क्या स्कोरिंग क्राइटेरिया है, उस सब के बारे में आपको हम यहाँ आज वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ये सब वीडियो आपके लिए एक्सक्लूसिवली इंस्पिरेशनल गुरुजी लेकर आए हैं। LDC सेकेंड ग्रेड हमारे एक अभ्यर्थी जो हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, आपका स्वागत है सर। अब आप जिनकी आवाज़ सुनेंगे वो है हमारे LDC ग्रेड 2 राजस्थान सेवा चयन बोर्ड में नियुक्त कर्मचारी, आपका स्वागत है सर। थैंक यू। तो नमस्ते सर, आप हमें ये बताइए कि आपका जब सिलेक्शन हुआ था तो टाइपिंग का क्राइटेरिया क्या था और आपको किस हिसाब से स्कोर अलॉट किया गया था और आपका स्कोर क्या था और इस बार विद्यार्थियों को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, जैसे कि इन्होंने बताया है कि मैं LDC सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, तो जो टाइपिंग का मेरा जो रहा था वो जो इस नोटिफिकेशन में है सेम कंडीशन उसी में थी, यानी कि प्रत्येक जो आपको भाग है उसमें मिनिमम 36 मार्क्स लेके आने हैं। जैसे आपके फेज फर्स्ट में थे कि 40% लेके आने हैं, तो जो आपका फेज 2 है उसके अंदर जो आपका टाइपिंग है उसके अंदर 36% आपको प्रत्येक भाग में लेके आने हैं और प्रत्येक भाग के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपकी टाइपिंग दोनों लैंग्वेज में होगी और जो पहली लैंग्वेज होगी वो आपकी हिंदी और दूसरी है अंग्रेजी, इन दोनों ही लैंग्वेज में आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड और आपकी दक्षता परीक्षण यानी कि आपका स्किल टेस्ट दोनों ही होंगे और दोनों के लिए 10-10 मिनट का टाइम है और प्रत्येक जो पार्ट है 25-25 नंबर का होगा। और इसी तरह इंग्लिश में भी आपको आपकी जो स्पीड है वो और आपका जो स्किल टेस्ट है दोनों के दोनों वो 10-10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और सेम 25-25 मार्क्स के होंगे। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा सर कि ये 10-10 मिनट अलग अलग मिलेंगे? हाँ, इसमें अलग अलग मिलेंगे आपको, यानी कि आपका एक साथ नहीं होगा। पहले आपको 10 मिनट की टाइपिंग दी जाएगी, फिर आपको थोड़ा सा गैप देके 10 मिनट का स्किल टेस्ट आपको लिया जाएगा और आपको जो स्कोरिंग होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी हिंदी में स्पीड है उसके 25 मार्क्स है तो उसको आपको 36% यानी कि मिनिमम आपको 9 मार्क्स लेके आने होंगे। प्रत्येक पार्ट में अगर आप 9 मार्क्स लेके आते हो तभी आप फेज 2 क्वालिफाई माने जाओगे, अन्यथा आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। हो सकता है आपने इंग्लिश की टाइपिंग में 25 में से 20 नंबर ले लिए पर आपकी हिंदी की टाइपिंग में आपके 8 नंबर भी आए तो आप सिलेक्टेड नहीं हो, आप उसमें डिसक्वालीफाई हो जाओगे। तो आपको मिनिमम जो है वो 36% यानी कि इसका 36 नंबर बनेगा टोटल सो का, वो लेके आना ही पड़ेगा। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूंगा मिनिमम यानी आप टोटल में 36 लें तब क्वालिफाई होंगे? जैसे हमने यहाँ, आप सपोज कीजिए कि इंग्लिश में हमारी टाइपिंग अच्छी है और हमने यहाँ 18-18 नंबर ले लिए तो 36 क्या हम क्वालिफाई होंगे? नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं, प्रत्येक पार्ट में आपको 9 नंबर लेके आने होंगे, यानी कि प्रत्येक पार्ट का आपको 36% चाहिए पहले में। इसका बिनो और इसका बिनो, ये कह रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी, ये रहेगा आपका भी, प्रत्येक पार्ट में आपको 9 नंबर मिनिमम लेके आने हैं और इससे में आप मिनिमम नंबर लेने के बाद क्वालिफाई जरूर हो जाओगे पर आप सिलेक्टेड नहीं होगे, क्योंकि जो मेरिट है आपकी वो ओवरऑल बनेगी, जो आपका फेज फर्स्ट और फेज सेकंड दोनों हुआ था उनको मिलाकर ही मेरिट बनती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करें और अच्छे से करें, जो आपकी एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करके करें और आपका स्कोर जो 90 प्लस आएगा तो आपके बहुत अच्छे चांस है, हो सकता है आपको RPSC OPSC SC वाले मिल जाए। अच्छा, आप ये उनको, हमारे बच्चों को ये ज़रूर बता दीजिए कि किस प्रकार से वो इसकी तैयारी करें या आपने वहाँ आपका माइंडसेट किस हिसाब का था, क्योंकि काफ़ी बच्चे नर्वस हो चुके हैं अभी जो तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी उनके मैसेज आ रहे हैं। और थोड़ा सा ये भी बताएं कि उनको कम से कम स्कोर करने की कितने की आवश्यकता है, यानी कितने का सिलेक्शन हो सकता है। हालांकि हमने पहले एक वीडियो डाल रखा है लेकिन टाइपिंग के बारे में आप थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए कि आप कितने की कोशिश करें कम से कम और टाइपिंग स्पीड कितनी रखें ताकि बच्चे भी उस राह पर चल के ये जो प्राप्त कर सकें। देखो, जैसे मिनिमम क्राइटेरिया की बात आप कर रहे हो तो उसमें आपको कम से कम 80 नंबर तो लेके आने हैं। अगर आप फेज 2 में बैठ रहे हो तो आपको 80 मार्क्स तो लेके आने हैं ये मान के चलिए, क्योंकि जो फेज फर्स्ट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो सभी पूरे जोर शोर से टाइपिंग करते हैं और उनकी जो टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बहुत अच्छी होती है। तो आपको इसको मेंटेन करते हुए 80 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। कैसे लेके आने हैं उसके मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ, उस टिप्स के अकॉर्डिंग आप चलिए, आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़िया होगी और आपकी जो इफिशेंसी है उसमें भी काफ़ी सुधार आएगा। और एग्जाम टाइम में नर्वस होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप 10-10 मिनट की प्रैक्टिस सेट घर पर करिए, टाइपिंग पे ऑनलाइन कर सकते हो आप या आप किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हो और वही आप डेली रूटीन में जैसे करते हो 10-10 मिनट का टाइपिंग तो वही आपको वहाँ मिलेगा। बस बात यही है कि एग्जाम टाइम में थोड़ा सा अपने को होता है कि एग्जाम फोबिया बोलते हैं जिसको, डर होता है, वो डर रहेगा, वो निश्चिंत होकर जाना है। अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी आ रही है, एफिशिएंसी आप 100% लेके आ रहे हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि आप सभी ध्यान से सुने कि आप कम से कम 80 प्लस स्कोर तो अपना मानकर चलिए, यही कह रहे हैं ना सर आप?
जी जी 80 प्लस आपको स्कोर करना है, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सर के इन्होंने जो क्राइटेरिया है, जो प्लानिंग की थी टाइपिंग के बारे में, तो वो उसकी भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके बाद में वो शुरू होगी, वो टिप्स हैं, आप उनको ध्यान से देखिए। आप यकीन मानिए कि आपकी टाइपिंग और एक्यूरेसी इतनी शानदार हो जाएगी कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जाएंगे, टाइपिंग में जाएंगे। चलते हैं सर वहाँ। ओके, टाइपिंग का अभ्यास करते समय आपको कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, पैर सीधे जमीन को छूते हुए हो, जैसा कि आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। पहली पोजीशन बिल्कुल राइट है और दूसरी पोजीशन आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। टिप्स नंबर दो है हाथ की स्थिति। कोहनी आपकी 90 डिग्री कोण पर मुड़ी हो, जैसा कि तस्वीर में यहाँ दिखाया गया है। उंगलियां की टाइपिंग रूल के अनुसार रखें, जैसा कि ये तस्वीर में आपको नीचे दिखाई दे रहा है, तथा हथेली का पिछला हिस्सा कीबोर्ड और मेज को ना छुएं। टाइपिंग प्रैक्टिस के कुछ नियम भी हैं। आपने 10-10 मिनट के सेट के अनुसार प्रैक्टिस करनी है। प्रत्येक 20 मिनट के बाद बॉडी को रिलैक्स करना है और चेयर तथा टेबल की लंबाई खुद की बॉडी की लंबाई के अनुसार, यानी अपने कंफर्ट लेवल के अनुसार ही रखें। ऐसा करने से आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी तथा आपका अभ्यास लगातार बना रहेगा। टाइपिंग करते समय समय प्रबंधन का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। टाइपिंग का अभ्यास लगातार 1 घंटे से ज़्यादा न करें, फिर हाथ और फिंगर्स और अपनी बॉडी को आराम दें। पूरे दिन में समय अंतराल पर 4 से 5 बार इसी तरह अभ्यास करते रहें, इससे आपका अभ्यास निपुण होगा और आपकी स्पीड एक्यूरेसी में बढ़ोतरी होती रहेगी, जिसका कि आपको टाइपिंग टेस्ट में बहुत ही फायदा मिलने वाला है।